एक वजह है मुसाफिर बनने की, तो बस हुजूर बन चले हैं मुसाफिर, दौरा करने इस देश से उस देश तक। अमेरिका और कनाडा को छोड़ पीछे अब कारमा दूसरे कोस चल पड़ा है। 17 जनवरी से 25 जनवरी तक चीन और जापान। विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अब 8 दिन के लिए चीन और जापान के दौरे पर रहेंगे। इस दौरे के पीछे मकसद प्रदेश में विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा, कंपनियों की सहभागिता से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, पीपीपी मॉडल के तहत भागीदारी और विकास कार्यों में तेजी, रोजगार के नए अवसर पैदा करना, मूलभूत ढांचा दोबारा से विकसित करना, हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सफल बनाना है। 15 से 25 मेरा दो देशों का दौरा है और मुख्य रूप से जो नए निवेशक हैं हरियाणा में आके निवेश करें, चाहे वो NRIs हैं हरियाणा से गए हुए बाहर हैं, चाहे विदेश के लोग हैं यहाँ आकर निवेश करें, ऐसे सब लोगों को निमंत्रण देने के लिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। लेकिन CM के उड़ान पर सवालों के घनघोर बादल छाए हैं, झूठे अरमानों की बारिश भी अब थम चुकी है। ऐसे में जरूरी है आज उन सवालों का जवाब लेने की जो पिछले साल कागजों में ही दबा दिए गए। 16 अगस्त 2014 से 26 अगस्त 2014 तक CM मनोहर लाल खट्टर, वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु समेत 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल अमेरिका और कनाडा के दौरे पर गया था। दौरे से लौटने के बाद CM ने दावा किया कि प्रदेश में 10,000 करोड़ का विदेशी पूंजी निवेश आएगा, जबकि 40,000 के करीब रोजगार पैदा होंगे। अब सवाल है, क्या ऐसा हुआ? क्या 10,000 करोड़ का विदेशी पूंजी निवेश आया और क्या 40,000 रोजगार पैदा हुए? इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके साथ भी बातचीत होगी और एक बड़े इन्वेस्टमेंट का स्कोप है जिसकी बातचीत हमारी चल रही है, कुछ MOUs होंगे और ये सारा डिलीगेशन भी उसमें काम करेगा और हम मानते हैं कि हमारा आगामी सत्र जो है हमारा, इसमें 1,00,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हरियाणा में होगा, जिससे युवकों को बहुत बड़ी संख्या में रोजगार। सवाल का जवाब शायद ना ही होगा। RTI में हुए खुलासे का जिक्र करें तो जो दावा CM ने किया था उसमें झूठी बातों की हवा भरी गई थी। RTI के मुताबिक विदेशी पूंजी निवेश को लेकर सरकार ने किसी भी कंपनी के साथ कोई MOU साइन नहीं किया। सरकार की तरफ से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में 5,000 करोड़ रुपए के विदेशी पूंजी निवेश का दावा भी झूठा निकला, क्योंकि RTI में सरकार की तरफ से खुद इससे संबंधित किसी सहमति पत्र और MOU का जिक्र नहीं होने की बात कही गई। कैरियर एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन नाम की जिस कंपनी से विदेश में सरकार ने MOU साइन किया, वो कंपनी हरियाणा की ही निकली जिसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। स्किल इंडिया मिशन के तहत कनाडा के जिस कॉलेज के साथ समझौता हुआ, वो कॉलेज विश्व रैंकिंग में 3,884वें स्थान पर आता है। पिछली उड़ान पर सवालों के बादल आज भी बरस रहे हैं। यही वजह है कि विपक्षी दल सरकार के इन दौरों को महज सैर सपाटा बता रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार इस बार भी खाली हाथ लौटेगी। मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब जाएं, हमें इतराज नहीं, पर कम से कम पिछली बार जो गए थे उसका लेखा जोखा तो हरियाणा की जनता को दे दें। पिछली बार गए तो हमने उनको न्यूयॉर्क की सड़कों पर फिल्मों के हीरो हीरोइनों के साथ दौड़ते तो देखा, उसमें भी हमें कोई इतराज नहीं, परंतु हरियाणा के लिए कुछ लेकर आए सार्थक, ये जरूर उम्मीद है मुख्यमंत्री जी से हमें। जनता की जमा पूंजी पर विदेशों से निवेश लाने का सपना अब एक सवाल के दायरे में सिमट कर रह गया है। सवाल, क्या निवेश के नाम पर माननीय विदेशों में सैर सपाटा करने जाते हैं? भरत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। मेरे साथ सबसे पहले आप सभी लोगों को, हमारे दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मुद्दा में आज बात कर रहे हैं सरकार भरेगी सपनों की उड़ान। सपनों की उड़ान है,
और ये सपनों की उड़ान है क्या, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं जिनसे हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सपनों की उड़ान सरकार को और हरियाणा प्रदेश को किस दिशा में लेकर जाएगी। चलिए मेरे साथ हैं अमू जी हैं बीजेपी से, प्रदीप नरूला है वरिष्ठ पत्रकार है, प्रदीप देशवाल है इनेलो से और खजानजी कांग्रेस से। सभी का नमस्कार। प्रदीप, अचानक हम देख रहे हैं कि विदेशी दौरे काफी हो रहे हैं, कभी मंत्रियों के तो कभी मुख्यमंत्री के। अब ये जो सपनों की उड़ान सरकार भर रही है, क्या ये सिर्फ सपनों की उड़ान है या फिर इन सपनों को साकार करने के लिए एक पूरा रोड मैप है जिस पर काम किया जा रहा है? नहीं नवजोत, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये दो देशों का दौरा है। हाँ, ये इस संदर्भ में देखा जा रहा है कि हैपनिंग हरियाणा के नाम से जो 7 और 8 मार्च को हरियाणा में इन्वेस्टर्स मीट है, उसको सक्सेस करने के लिए, इन्वेस्टर्स को एक तरह से न्योता देने के लिए, विदेशियों को आमंत्रित करने के लिए ये दौरा है। इस दौरे का कोई ऐसा प्री प्लान एजेंडा नहीं है कि आप किसी कंपनी के साथ कोई समझौता करने जा रहे हैं या किसी कंपनी ने उनको बुलाया है या वो कोई कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं। नहीं, ये सिर्फ ये है कि शायद मन में कहीं ना कहीं डर है कि जिस हैपनिंग हरियाणा की वो बड़े धूम धाम से शुरुआत बड़े पैमाने पर बात कर चुके हाँ, हैं हाँ। आखिर वो कहीं ठस ना हो जाए या कहीं बैठ ना जाए, इसलिए वो खुद मुख्यमंत्री खुद इनिशिएटिव लेकर चाइना और जापान जा रहे हैं। बड़ी बड़ी बेतुकी सी बात है कि जापान जाना बनता है कि चाइना जाके निवेश लाएंगे, ये कुछ बात गले नहीं उतर रही, लेकिन फिर भी शायद उनके पास कोई एजेंडा या प्लानिंग रही होगी जिसके तहत वो चाइना के वहाँ इन्वेस्टर्स को यहाँ लाने की। आपको शायद याद होगा कि रामविलास शर्मा भी चाइना गए थे और उसके बाद टूरिज्म को बढ़ावा देने की बातें की थी, तो इससे पहले रामविलास शर्मा भी चाइना जाकर टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कर चुके। नहीं बिल्कुल, जिस जो बीजेपी वाले चाइना और चाइना का बना हुआ माल को बेकार बताने में थकते नहीं थे, हाँ। वो अक्सर अब सारे ही बीजेपी वाले चाइना जा रहे हैं तो शायद चाइना से निवेश भी इन्वाइट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। हाँ, तो बड़ी बेतुकी सी बात है, शायद उनके दिमाग में कोई ऐसी प्लानिंग रही होगी कि चाइना वालों को ही शायद यहाँ लाके वो निवेश लेके आए। लेकिन ये जो ये दौरा है, जो चाइना और जापान का दौरा है, वो सिर्फ उस इन्वेस्टर मीट के लिए है जो हैपनिंग हरियाणा में, एक लोगों को भीड़ दिखाना चाहते हैं हाँ। कि हरियाणा में इन्वेस्टर्स आए, वो यहाँ का माहौल देखें, गुड़गांव का देखें और आगे शायद कितने MOU साइन होंगे ये तो वक्त बताएगा। खजान जी क्या कहना चाहेंगे, हैपनिंग हरियाणा और फिर इन्वेस्टर्स मीट और अब ये दौरे, और इससे पहले भी कई जो मंत्री हैं वो विदेशी दौरे कर चुके हैं, उस पर भी एक नजर डालेंगे, लेकिन खजान जी पहले आप। नवजोत जी, पहले तो मैं आपके चैनल को और सभी प्रदेशवासियों और देशवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री के विदेश दौरे की है, तो ये विदेश दौरा पहले भी करके आ चुके हैं और इनके हाथ खाली रहे, और इन्होंने अभी तक तो कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट ये लेकर नहीं आए हैं। और मैं समझता हूँ कि नरूला जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि पहले ये जब विपक्ष में होते थे तो चाइना के ऊपर ही अटैक रखते थे, अब चाइना का मेड इन चाइना है और अब ये चाइना की तरफ इनकी अट्रैक्शन बढ़ी है। लेकिन खजान जी, हम सिर्फ विपक्ष में हैं इसलिए हम बैठ कर सरकार के विदेशी दौरे को क्रिटिसाइज करें तो वो क्रिटिसिज्म भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। नॉट एट ऑल, पहले ये कर चुके हैं, ये गए थे अमेरिका, और ये अमेरिका गए तो वहां सिर्फ इनका वो जो दौरा रहा वो सैर सपाटे का रहा, उसमें कुछ भी इन्होंने एक भी पैसे की इन्वेस्टमेंट ये लेकर नहीं आए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये जाएं, ठीक है सरकार का काम है, सरकार इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करे वहाँ जाके, लेकिन कोई पहले ऑलरेडी इन्होंने कोई प्रोग्राम नहीं चाकआउट किया, ये तो सिर्फ एक इनवाइट करने के लिए। ये बिल्कुल नरूला साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी इन्विटेशन लेके जा रहे हैं ताकि ये हैपनिंग इंडिया को अच्छी तरह से एक बढ़िया तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर प्रोजेक्ट कर सके। रोजगार देने की भी बात करती है कि निवेश आएगा तो रोजगार बढ़ेगा। ये सिर्फ जनता के खून पसीने की कमाई से जो टैक्स भरा जाता है उसको दोनों हाथों से लुटाने का काम कर रहे हैं। इन्होंने 5,000 करोड़ रुपए के निवेश की बात की थी और हजारों नौकरियों की भी बात की थी, परंतु कोई MOU ही साइन नहीं हुआ सरकार की तरफ से, तो फिर हम कैसे इन बातों को सत्य मान लेते हैं। तो मेरा तो सिर्फ चंद शब्दों में यही कहना है
कि ये जो सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, गरीब लोग जो टैक्स भरते हैं, आम जनमानस का जो टैक्स से पैसा इकट्ठा होता है, उसको सरकार और उसके कुछ नुमाइंदे दोनों हाथों से विदेशों में जाकर अपनी मौज मस्ती के लिए, अपने सैर सपाटे के लिए लुटाने का काम करते हैं। अम्मू जी, पिछली बार जो माननीय मुख्यमंत्री जी की टीम का और उनका दौरा रहा कनाडा और अमरीका का, उसमें 10,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की संभावनाओं को देखा गया और उनका उनकी बातचीत हुई बड़े हाई लेवल पर, और 4 MOU पिछली यात्रा के दौरान साइन हुए, और 40,000 युवाओं को उन इन्वेस्टमेंट से रोजगार मिलने की संभावना हम लोगों ने लगाई हुई है। और जो मेरे मित्र कह रहे थे कि भी किस लिए चाइना जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, इससे पहले चाइना अभी हरियाणा के कृषि मंत्री भी होके आए, वहाँ पर मुख्यमंत्री के दौरे से पहले वहाँ पर वो व्यवस्थाएं कुछ देख के आए, कुछ जगह दौरे करके आए, परंतु उन्हें आपात स्थिति में वापस आना पड़ा क्योंकि सेशन था। उसके अलावा रामविलास जी भी गए और कैप्टन अभिमन्यु जी मुख्यमंत्री जी के साथ रहे। परंतु मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर हरियाणा के अंदर हम हैपनिंग हरियाणा इन्वेस्टर्स सबमिट करने जा रहे हैं मार्च के अंदर, और उसके लिए हम लोगों को इन्वाइट करते हैं, और उसमें अगर वो लोग जाके FDI अगर हिंदुस्तान के अंदर हरियाणा के अंदर आती है और यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिलता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। पहली बात, आलोचना करना विपक्ष का हक है, वो करे, परंतु अगर हरियाणा में पहली बार इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने का इतने बड़े स्केल पर मुहिम चालू की जा रही है तो इसका स्वागत करना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहूँगा नवजोत, चीन की अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से डामाडोल हुई है, वहां से चीन के अंदर जो वहां का उद्योगपति था, जो वहां का बहुत बड़े बड़े जो वहां के उद्योग थे, वो हरियाणा की तरफ, इंडिया की तरफ मूव करना चाहते हैं। हरियाणा एक ऐसी जगह है जो उनको लगता है, क्योंकि हरियाणा में पहले से ही चीन और जापान के अनेकों अनेक बड़े उद्योग यहाँ पर लगे हुए हैं, उनके आने से और संभावनाएं हमें लगती है ऐसी होने वाली, इसलिए मुख्यमंत्री जी का दौरा चीन और जापान का है। इस पे हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्योंकि अगर FDI हरियाणा के अंदर आती है, हरियाणा ऐसी एक भूमि है इन्वेस्टमेंट के लिए, खासतौर पर उद्योगों के लिए, जहां पर उनको अच्छी व्यवस्थाएं, अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, उनको आना चाहिए। नरुला जी, अम्मू जी ने बहुत बढ़िया तरीके से हरियाणा की भूमि का डिस्क्रिप्शन दिया है, वो पहले भी थी, आज भी है, और खासकर सारा कंसंट्रेशन गुड़गांव पर है। जो वो चीन को उद्योग लाने की बात कर रहे हैं, तो चीन में जितने भी उद्योग, बड़े उद्योग हैं, वो अमेरिकन है, कोरियन है और जापानी है, और वो यहाँ भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो उद्योग वहाँ हैं उनकी ब्रांचेस पहले से हैं, तो उन्हें मूल उनके कंट्री में भी बात की जा सकती है, उनसे, उनके हेड ऑफिस से यहाँ भी बात की जा सकती है। मैं पहले भी कह रहा हूँ कि बाहर जाना, इन्वेस्टर को आकर्षित करना पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट है, पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट है, और ये होना चाहिए, क्योंकि आप इन्वेस्टर को एक माहौल देंगे, उनको आमंत्रित करेंगे। लेकिन अगर ऐतराज इनको क्यों हो रहा है कि अगर हम ये कहते हैं कि चीन और जापान में वो इन्वेस्टर्स को आमंत्रित करने जा रहे हैं, मैं मानता हूं कि कोई ऐसा एजेंडा नहीं है। अगर एजेंडा होता तो वो साफ कंपनीज के नाम बताते कि हम वहां उनसे बात करेंगे, या वहां हम MOU होने की संभावनाएं हैं, या बात कर रहे हैं कि इतने हजार करोड़ का निवेश, इतने इतने हजार लोगों को नौकरी दी जाएगी, लेकिन ये नहीं करते कि कहां कहां किससे बात होनी है। सीधा साधा एजेंडा है कि चीन और जापान में जाके इन्वेस्टर्स को आमंत्रित करना है। जो 10,000 करोड़ का विदेशी पूंजी निवेश आएगा, जबकि 40,000 के करीब रोजगार पैदा होंगे, जब ये 16 अगस्त को गए थे उसके बाद इन्होंने कहा था कि ये सब कुछ हुआ है, उसके बाद एक RTI निकाली गई और RTI में ये खुलासा हुआ कि कोई MOU साइन ही नहीं हुआ। नवजोत, जो करोड़ों की रकम है वो एक दिन में नहीं आती, पता नहीं, मैं MOU की बात कर रही हूँ, मैं MOU की बात कर रही हूं कि RTI में कहा गया कि MOU साइन नहीं हुआ है। ऐसा है, मैं बताऊं, जिस समय RTI जिस बंधु ने लगाई थी, उस समय जो MOU का जो पूरा प्रोसेस है, वो सारे के सारी जो जानकारियां थी, जिस विभाग को देनी चाहिए थी, उस विभाग से, मुझे लगता है कि उसके अंदर शायद जल्दबाजी थी। मैं एक बात आपको कह रहा हूं, अभी जो मेरे मित्र नरुला जी कह रहे थे, प्रदीप जी मैं आपको बता दूं, फूड प्रोसेसिंग हो, एरोस्पेस हो, ऑटो हो, या बड़े जो हथियार से संबंधित जो हमारी प्लानिंग है, जो हम लोगों ने पहले वादा भी किया था, मेडिकल एजुकेशन हो, स्किल डेवलपमेंट हो, डिजिटल इंडिया हो, या हेल्थ केयर से संबंधित और अनेकों अनेक ऐसी योजनाएं हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर चीन, जैसे इन्होंने कहा कि भाई वो तो अमेरिका की हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमेरिका के अंदर भी चाइना ने
मैं क्योंकि मैं अमेरिका भी होकर आया हूँ, चाइना अनेकों अनेक बार गया हूँ और अन्य देशों में भी घुमा हूँ, परंतु वहाँ पर चाइना के लोगों ने अमेरिका के अंदर अपने इंडस्ट्रीज वहाँ पर स्थापित की हुई है। अगर वही इंडस्ट्री हमारे इंडिया में आती है तो मैं मेरे मित्र को बताना चाहूंगा नहीं, नहीं, जानकारी नहीं। चाइना तो की इंडस्ट्री यूएस में एस्टैब्लिश नहीं है, यूएस का सारा आउटसोर्स होता है, बिकॉज़ चाइना में लेबर सस्ती है, लेबर सस्ती है, और अगर इंडिया में आएगा तो इंडिया में भी इसीलिए आएगा बिकॉज यहाँ पे लेबर सस्ती है। आज की इट्स एन आउटसोर्स बिजनेस। नो 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 नो, मैं आपको फिर बता रहा हूँ जानकारी के लिए, फिर मैं और बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जो मेरी जानकारी है, जो मैंने वहां पर देखा है और वहां पर अपनी आंखों से मैंने और बल्कि खुद विजिट करके आया हूँ कई फैक्ट्रियों में, तो मैं वहां पर अनेकों अनेक ऐसे उद्योग हैं जो चीनी लोगों ने वहां पर स्थापित किए हुए हैं, और आज की डेट में अमेरिका की अर्थव्यवस्था में अपने आप में चाइनीज अपने आप में हिस्सा रखते हैं। देखिए, मेरे लायक दोस्त ने कहा 40,000 की संभावना है, 40,000 लोगों को रोजगार देना था, आज तक तो 40,000 को इन्होंने बेरोजगार कर दिया, जो लगे में रोजगार में लगे हुए थे, और एक भी रोजगार इन्होंने 15 महीने में नहीं दिया है, और 15 महीने में एक पैसे की इन्वेस्टमेंट ये लेकर नहीं आए। तो ये महज ठीक है, ये सत्ता में है और सत्ता के नशे में, सत्ता का फायदा उठाने के लिए, सत्ता को मिसयूज करने के लिए इनको खुली छूट है, क्योंकि ये जब विदेश दौरे पर जा रहे हैं तो इनका कोई ऑलरेडी कोई एजेंडा नहीं अपना डिस्क्लोज करते, ये बताते नहीं हमारा किस कंपनी से कोई किससे हम इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, किनको हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, किनके साथ एमओयू साइन करेंगे, ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। सिर्फ इन्वाइट करने के लिए अगर विदेश दौरा पे जा रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा भद्दा मजाक हरियाणा की जनता के साथ कुछ हो नहीं सकता। हरियाणा की जनता के साथ ये धोखाधड़ी है और हरियाणा की जनता का जनादेश का अपमान है। नवजोत, 10 सालों के दौरान ये लोग कुछ नहीं कर पाए, आज हमारे दौरों को लेकर इनको चिंता हो गई है। आज हरियाणा कांग्रेस के एक प्रवक्ता हैं, जो केंद्र में प्रवक्ता हैं आज की डेट में, रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने एक ऐसा हास्यपद बयान दिया है कि मुख्यमंत्री वहां पर हीरो हीरोइनों के पीछे दौड़ रहे थे। हम जिन बहन बेटियों को सम्मान करते हैं, क्या परिणीति चोपड़ा हरियाणा की बेटी नहीं है? क्या रणदीप हुड्डा अगर मुख्यमंत्री से मिलता तो हरियाणा का बेटा नहीं है? इस प्रकार की असभ्य भाषा का प्रयोग कांग्रेस के प्रवक्ता ने किया है, मुझे उनकी सोच के ऊपर तरस आता है। अगर हरियाणा का मुख्यमंत्री हरियाणा के लोगों को बढ़ावा देता है, हरियाणा के स्टार्स को बढ़ावा देता है, तो ये हमारे लिए जी, मैं उस पर जाना नहीं चाहती हूँ। ब्रांड एम्बेसडर्स वो एक अलग बात है, ब्रांड एम्बेसडर्स बना के ग्राउंड रियलिटी पर क्या हुआ है और कितनी बेटियां बच गई हैं, कितना उसमें बदलाव हुआ है, परिणीति चोपड़ा ने कितना ग्राउंड रियलिटी पे काम किया है, ये शायद अभी हम ना उस वो मुद्दा नहीं है। मैं आपकी बात जो देखिए मैं एक बात बताना चाहूंगा मेरे लायक दोस्त को, हरियाणा में बिजली पैदा हो रही है, हरियाणा के कारखाने की बिजली सरेंडर कर दी गई है, और ये झाड़ी झाड़ी और झाड़ी और झाड़ी तो ये हम उस पे रहे तो ज्यादा बेहतर। नवजोत जी, इन्होंने नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, इन्होंने सिर्फ बड़ा सैर सपाटा करना है, वो ये नवजोत जी, ये ये लोगों ने कोई पारदर्शिता नहीं बरती किसी तरह, किसी सर लेट मी कंप्लीट, किसी भी तरह का कोई क्राइटेरिया नहीं, कौन लोग जाएंगे, क्या इसके लिए कोई क्राइटेरिया था, उसमें स्थानीय भूमिका रोजगार में क्या रहेगी, कितना निवेश होगा, और बात आप बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, बात आप एमओयू की बात कर रहे हैं, तो एमओयू किसी जगह को कोई डील होती है तो एमओयू तुरंत साइन किया जाता है। जो आरटीआई कार्यकर्ता मिस्टर कपूर ने जो आरटीआई मांगी है वो काफी समय बाद उसको जवाब उपलब्ध कराया गया है सरकार की तरफ से, तो ये इस जनता को बरगलाने का काम आप कर रहे हैं। आरटीआई कम से मिनिमम से मैक्सिमम तक टाइम डिसाइड होता है, ये ऑन पेपर है, जो विदेशी दो विदेश दौरा था मुख्यमंत्री महोदय का और उसके साथ उनके चहेतों का जो बिजनेसमैन थे और कुछ मंत्रियों का, उसके आने के काफी समय बाद आरटीआई मुहैया कराई गई। ऐसा नहीं हो सकता किसी मुख्यमंत्री के बारे में सूचना मांगी गई हो और गलत जवाब दिया जाए, अगर गलत जवाब दिया गया तो क्या उस जो आरटीआई उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई थी? इन लोगों के प्रवक्ता जो बोल रहे थे, जो प्रवचन दे रहे हैं, नहीं प्रवचन ही सच्चाई कह रहा हूँ, ऑन पेपर बात कर रहा हूँ, आप आरटीआई को झूठी बता रहे हैं, तो आप ही की सरकार ने आरटीआई उपलब्ध कराई, क्या कार्रवाई की गई उस आरटीआई उपलब्ध कराने वाले लोगों पर? इन लोगों का जब राज रहा, इन्होंने अपनी आप अपनी चर्चा कीजिए, बोलने दो, आप अपनी चर्चा कीजिए ना, एक बार पहले बताइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप मुझे बोलने दें, आपका समय जो आए तब आप बोलिएगा। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ नवजोत, फरीदाबाद के अंदर जिस प्रकार से हरियाणा की शांति, फरीदाबाद उद्योगों के मामले में
जब चौटाला राज आया तो इन्होंने उद्योगों को किस प्रकार से वहां लूटा, किस प्रकार से वहां से उद्योग भगाए गए। गुड़गांव जैसे शहर को बसाने में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की अहम भूमिका रही है। आप लोग बताइए डेढ़ साल में आपने क्या किया है? हमने जो किया है वो एक भी रोजगार आप एक सिंगल वन नौकरी आप बताइए। अगर आप शोर मचाने आए तो आप बोलिएगा मैं शोर नहीं, मैं ऑन पेपर बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं? आरटीआई की कॉपी में लेके आया हूँ, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपने मुंह जुबानी आदेश किए, आरटीआई की कॉपी मेरे पास नौ जी देखिए कैसे इन्होंने शिक्षा के मंदिरों में घोटाले किए हैं। मुंह जुबानी नौकरियों के एडवर्टाइजमेंट निकाल दी, पॉइंट नंबर चार और पांच देखिए आप एक बार। अरे भैया आपके घोटाले तो आपके तिहाड़ जेल में बैठे हुए हैं। पेपर पॉइंट नंबर चार और पांच देखिए, वहां बैठे हुए देशवाल साहब। आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं? आप सुनिएगा, आपकी जवाबदेही बनती है। आप मुद्दों से भटक रहे हैं, मुद्दे पर आओ ना। आप मुद्दे पे आइए। आप विदेश दौरे पर खर्च हुए बताइए, आप कितना पैसा खर्च हुआ, कौन कौन गए, क्या क्राइटेरिया था? हिसाब क्यों नहीं मांगेगा? जनता जनता है, जनता हिसाब माने मांगेगी। ये आपका पैसा नहीं है, जनता का पैसा जो आप लुटा रहे हो, जनता हिसाब मांगेगी। विषय से भटकने, आप ये गलत कह रहे हो, जनता आपसे हिसाब मांगेगी। इन्फॉर्मेशन है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है। अरे आप क्या, आप विपक्ष में हो, विपक्ष के नेता हो, विपक्ष मैं इस प्रदेश का नागरिक होने के नाते आपसे जवाब मांगता हूं। नागरिक नहीं है, आप इनेलो के प्रवक्ता के नाते यहां बैठे। मैं इस प्रदेश का नागरिक हूं, सबसे पहले मैं इस प्रदेश का नागरिक हूं। आप जवाब दीजिए, जो आपके नेता जेल के अंदर बैठे, जो गरीब लोगों ने टैक्स भरा है, एक एक रुपया भरा है, आप लोग गरीब लोगों की नौकरी, आपने एक भी नौकरी, एक सिंगल वन नौकरी बताई आप। मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ, इसको झूठा साबित करके दिखाइए। पॉइंट नंबर चार और पांच झूठा साबित करके दिखाइए आप। फोन पेपर आपकी सरकार ने दिया, मैं समझता हूँ। आरटीआई की कॉपी दिखा रहा हूँ, इसका जवाब दिखाइए आप एक बार। आरटीआई के ठेकेदार आप हैं क्या? ये सर आप आरटीआई को झूठी बता रहे हैं, आप यहाँ दादागिरी करना चाहते हैं? मैं तो फोन पेपर बात कर रहा हूँ। आप डिबेट कीजिएगा, आप कौन से विषय पर बात कर रहा हूँ? मैं आरटीआई की कॉपी लेके बात कर रहा हूँ। बात करना चाहता हूँ जिस प्रकार से चौटाला राज में हरियाणा के व्यापारियों को लूटा और घर बुला बुला के लूटा, घर में उस समय फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन उस समय गठबंधन में थे। अरे आप उस समय गठबंधन में थे, उस समय आप सरकार को सरा रहे थे, उस समय आप गठबंधन में थे। आप भी उस भ्रष्टाचार का हिस्सा हैं। आप उस समय गठबंधन में थे, आपके साथ मिलकर सरकार चलाई चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने। गुंडागर्दी का दूसरा नाम आप उस समय जोड़ी करके गठबंधन में थे, आप यहाँ दोहरा रहे हैं। आप सिर्फ हिसाब दे, जवाब देना चाहिए। खजान जी जल्दी से प्लीज करें। बहुत बढ़िया बात, एक हमारे लायक दोस्त जो लोक दल के हैं उन्होंने बहुत बढ़िया कहा, उस भ्रष्टाचार में आप भी साझेदार थे। इन्होंने ये मान लिया है, अगर लोक दल ने बीजेपी ने मिलकर आपका काफी, आपकी सरकार का काफी चिट्ठा लेकर आपके सामने आया हूँ। ये देखिए आपकी सरकार का भी, आपकी सरकार का भी काफी चिट्ठा लेकर मैं आया हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय को बेचने का काम किया है, चैनल पे कहा नहीं। मैं पुख्ता प्रमाणों के साथ बैठा हूँ। सरकार ने शिक्षा के मंदिरों को बेचने का काम किया है। रुक जाइए प्रदीप, आई थिंक हम लोग बात कर रहे हैं सरकार के विदेशी दौरे पर और वो बात इधर उधर काफी भटक गई, लेकिन बात काफी मुद्दे की है। प्रदीप नरुला जी, हाँ खजान जी कुछ कह रहे जल्दी से। मैं ये कह रहा था, ये माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की नकल कर रहे हैं। उनका हर सातवां दिन विदेश में है तो वो सोच रहे तो आप पीछे रह गए। तो वो भी आज तक मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी आज तक एक भी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लेकर आए 19 महीने में, और उनका हर सातवां दिन विदेश में रहा है। और इसी प्रकार ये भी पहले विदेश में लगा के आए थे इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन ये क्या मनमोहन सिंह के विदेशी दौरों की लिस्ट दिखाएंगे आप नवजोत को? आप क्या मनमोहन सिंह के एक साल के अंदर जो विदेशी दौरे हुए उनके बारे में बताइएगा? सुनने के लिए तैयार, हमारे प्रधानमंत्री के दौरे उतने हुए ही नहीं। आप सुनने के लिए तैयार, हम यहाँ कम्पीट करने के लिए बैठे हैं कि किसने कितने विदेशी दौरे किए, या फिर हम ये डिसाइड करने के लिए बैठे हैं कि जो विदेशी दौरों पर खर्चा हो रहा है उससे हरियाणा को कितना फायदा मिलेगा? इम्पोर्टेंट ये है। नवजोत, विदेशी दौरे किसी पर्पज के लिए किए जाएं उसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है किसी भी तरह की है, टेक्नोलॉजी के लिए हो या निवेश के लिए हो, निवेश के लिए हो, विदेशी दौरे होने होते हैं और करने भी चाहिए कि सरकारें आकर्षित करती हैं, अपने यहाँ माहौल पैदा करती हैं, इस तरह का एक माहौल बनाती हैं कि इंडस्ट्री उनके स्टेट में आए, एक प्रतिस्पर्धा भी है हर स्टेट की, वो बिल्कुल ठीक है।
लेकिन उसका रिजल्ट निकलना चाहिए। ओम प्रकाश धनखड़ जी गए तो आप आज तक भी कोई ऐसा श्वेत पत्र जारी नहीं हुआ कि उसके रिजल्ट्स क्या निकले। रामविलास जी गए, प्रदीप जी श्वेत पत्र मीडिया मांगेगा क्या? नहीं नहीं, आप जनता के सामने, मीडिया का जनता के सामने क्या बताया, क्या जो हम काम कर रहे हैं आप बता दीजिए, मीडिया भी और जनता भी जवाब दे। अभी आप मीडिया के साथ ही है ना, फ्रीडम ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे हैं, मीडिया भी मांगेगी और जनता भी जवाब मांगेगी। बात कर रहे हैं प्रदीप, आप श्वेत पत्र कब मांगा जाता, कब दिया जाता है मुझे बताइएगा नाम जरा। आप तो बहुत विद्वान है, आप उनको बोलने दें, आप उनको विद्वान है, श्वेत पत्र कब दिया जाता है? आप मेरी बात, आप मुझे ओपी धनखड़ जी पहले हंगरी गए, बुदापेस्ट गए, उन्होंने कहा कि मैं वहां पर एग्रीकल्चर के लिए बहुत कुछ देख कर आया हूं जो मैं यहां इंप्लीमेंट करना चाहता हूं, लेकिन उसकी डिटेल कहीं भी चीजें सामने नहीं आई। और मुझे लगता है कि उसको रखने में लोगों के सामने कोई बुराई नहीं है। अगर आप एक विदेशी दौरा कर रहे हैं और आप ये कर रहे हैं कि मैं वहां से बेटर चीजें एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए देख कर करके आना, यहाँ इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ, सो व्हाट्स सो बैड इन इट कि अगर हम आके वापस बताएं कि हमने हंगरी बुदापेस्ट में ये किया और कौन कौन लोग उसमें गए, वो कितने उस चीज से रिलेटेड थे, इनको लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। मैं नवजोत बताना चाहता हूँ आपको, ओम प्रकाश धनखड़ की जो हंगरी की यात्रा रही, इसराइल की रही और चीन की रही, उसमें पवन सैनी जो किसान नेता रहे हैं हरियाणा के और विधायक है वर्तमान में भाजपा के, और सिरसा से एक और अन्य किसान नेता को साथ लेके गए थे, और अन्य दो लोग और भी गए थे, पर तो मैं एक बात करना चाहता हूँ। कितने लोग गए थे? मैं आपसे कह रहा हूँ, छह लोग गए थे साथ, सिर्फ छह लोग गए थे, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, छह लोग गए थे, वो एक मिनिस्टर के साथ और विधायक। हाँ, तो फिर आप ये कहिए ना कि मिनिस्टर के साथ और विधायक भी थे। मैं कह रहा हूँ विधायक, हाँ, बुदापेस्ट में थे, बुदापेस्ट में थे। हाँ, तो मैं बुदापेस्ट की बात, मैं एक बात कहना, मैं तो आपको पूरी डिटेल दे सकती हूँ, ये तो सब चीज उपलब्ध है आपके पास, और उपलब्ध हो जाती है। मैं यही, मेरा वो मकसद नहीं है, मुझे विषय वही इम्पोर्टेंट है, ना ना ना, मुझे विषय दो बहुत इम्पोर्टेंट है, रुक जाइए। विषय ये है कि आप इतना पैराफेनिलिया, इतना ट्रूप लेकर आप किसी दौरे पर जाते हैं, नो डाउट आप जाइए, आप वहां से कुछ अच्छी चीजें लेकर आ रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं, कुछ अच्छी चीजें लेकर आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी जो आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, नो डाउट गो। इस पैराफेनिलिया में क्या उतने रिलेटेड लोग वही सेक्टर के हैं, या फिर लोग मौज मस्ती के लिए, लोगों के पैसे के लिए जा रहे हैं? नंबर वन, रुक जाइए, मुझे लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन। नंबर वन ये, नंबर टू ये कि यहां आके उसका रिजल्ट क्या हुआ वो दिखाना बहुत जरूरी है, और उसका जवाब जनता भी मांग सकती है, एंड फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मीडिया भी मांग सकता है। अमुजी अधिकार है, हाँ, परंतु बात थी श्वेत पत्र की, मेरा नवजोत ये मुद्दा नहीं था। जब श्वेत पत्र की बात है, श्वेत पत्र कब मांगा जाता है, क्यों मांगा जाता है, उस विषय पर नहीं, मेरे तो दो सीधे सवाल। आप सुन लीजिएगा, कनाडा और अमेरिका की यात्रा के दौरान जो हम 10,000 करोड़ रुपए की जो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि हमारी बातचीत ऑलमोस्ट हो गई है, उसके अंदर एक विषय आता है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारा टारगेट 1,00,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट का लाने का भारत के अंदर, हरियाणा के अंदर है। मैं एक बात कहता हूँ, कनाडा और अमेरिका की जो कंपनियां, जो अभी आप कह रही थी कि जो चाइना के अंदर स्थापित हैं, वो कनाडा और अमेरिका के अंदर जिन लोगों से बात हुई है उनमें ये जो चीन और जापान का दौरा है, वो कंपनियां जो स्टेब्लिश है चीन के अंदर, जो अभी आप कह रही थी कि चीन के अंदर अमेरिका की और कनाडा की जो कंपनियां स्थापित हैं, उस उनसे भी बातचीत का एजेंडा इस वाले दौरे के अंदर 200% है। और उनका ध्यान, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था पिछले काफी करीब 1.25 साल से बिगड़ी हुई है, मैं आपसे वही कह रहा हूँ, उनको भी उनका ध्यान, क्या एक डिटेल्ड लिस्ट आएगी? मैं वही कह रहा हूँ उनको लेकर यहाँ पर हरियाणा में कैसे लाया जाए, वो भी एक प्लानिंग है इस दौरे को लेकर। अम्मू जी, हैपनिंग हरियाणा इन्वेस्टर मीट के तुरंत पहले जी मुख्यमंत्री का विदेशी दौरा क्वेश्चन मार्क लगाएगा कि आप आमंत्रित करने जा रहे हैं, तो फिर आप इन्वेस्टर वहां से चीन और जापान से लाई रहे हैं, तो हैपनिंग हरियाणा का कोई औचित्य नहीं है। आप इस पे क्वेश्चन मार्क लगेगा और बात आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि वो सिर्फ वहां इनवाइट करने जा रहे हैं। अगर नहीं करने जा रहे हैं तो आपको एक एजेंडा लोगों के सामने रखना चाहिए कि हम इन कंपनियों से बात करने जा रहे हैं, इन कंपनियों ने हमें, एंड ऑफ द ट्रिप हमें ये बताना भी पड़ेगा और दिखाना उसका रिजल्ट क्या हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, वो अकाउंटेबिलिटी बनती है, अकाउंटेबिलिटी इसलिए बनती है कि हम लोग जनता के द्वारा, जनता के लिए चुने गए, बिल्कुल, और हरियाणा की जनता को या हिंदुस्तान की जनता को एक एक पैसे का, एक एक हिसाब का, एक एक यात्रा का हिसाब देना हमारा भी दायित्व, जनता का भी जानने का, मीडिया को भी अधिकार है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर यात्रा से
अगर लाख करोड़ का फायदा, अगर 10,000 करोड़ का, 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट FDI के माध्यम से अगर हरियाणा के अंदर आती है और हरियाणा के बेरोजगारों को रोजगार मिलता है, तो इसमें हमें मुख्यमंत्री की यात्रा का स्वागत करना चाहिए और हमें उनको पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। इफ एंड बट तो किसी ने नहीं किया ना, किसी ने नहीं किया यात्रा से, इफ एंड बट कुछ नहीं है, बात है मैं विषय पे ही, आपने जो विषय कहा मैं उसी पे बोल रहा हूं। लेकिन लेकिन पुराने अनुभवों से थोड़ी सी सीख मिलती है कि पिछले जो 2-3 दौरे हैं, चाहे मंत्रियों के हैं चाहे मुख्यमंत्रियों के हैं, उनसे अभी भी क्या प्राप्त हुआ, लोगों के सामने नहीं आया, निकल कर आई है, अभी तक लोगों के सामने नहीं आया। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी जनता के पैसे पे, जनता के खर्चे पे विदेश यात्रा कर रहे हैं, पहले भी करके आए, पहले का जो अनुभव है, पहले का एक्सपीरियंस है, उसमें कुछ भी नहीं निकला, उसमें जब कुछ नहीं निकला, और अब हमारे लायक दोस्त जो बीजेपी के अम्मू जी हैं वो कह रहे हैं अब जो चाइना, जो अमेरिका और कनाडा के जहां पहले इन्वेस्टमेंट की बात हुई थी वो भी इस दौरे में शामिल है, अपनी तरफ से कह रहे हैं। ऐसा कोई सरकार मेरे घर पे एजेंट नहीं बनते, ऐसा सरकार ने कोई पब्लिकली नहीं कहा है, मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। आप राहुल गांधी की तरह यूरोप के अंदर यात्रा करने जा रहे हैं, ट्वीट करके बता दिया, आप अनुमान करके ये बातें करके और अपनी तरफ से जो लगाते हैं ये अच्छी बात नहीं है। अपनी तरफ से क्या होता है, क्या है तो अपनी तरफ से होता क्या है, आप पब्लिक कीजिए ना, आपका क्या एजेंडा है। अरे भैया हम अपनी तरफ से बात नहीं करते, मुख्यमंत्री जी हरियाणा के मुख्यमंत्री है, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, जनादेश मिला है उसका मुख्यमंत्री है, राहुल गांधी अपनी चलाएंगे, मनमोहन सिंह के ऊपर थोपेंगे, यहाँ पर लोकतांत्रिक दोनों बारे में एक दूसरे पर आरोप लगा रही, दोनों पार्टियों ने इस देश और प्रदेश को लूटने का काम किया है, ऐसी बातें कहेंगे, दोनों पार्टियों ने इस प्रदेश और देश को लूटने का काम किया है, कोई कोई रोड मैप अगर आप विषय पर बात करेंगे सुनूंगा मैं, अपनी जबान पर काबू रखिए, अगर आप विषय पर, दोनों पार्टियों अगर विषय पर हिंदुस्तान के युवराज पहली बार, ये बार बार जो जिस हिंदुस्तान के युवराज पहली बार बताकर ट्वीट करके युवराज प्रधानमंत्री के बारे में और मुख्यमंत्री के बारे में मैं वही कह रहा हूँ, मान्य कह रहा हूँ, और ये जो है बात जो टॉन्टिंग करते हैं ये हम लोग ऑनरेबल, हम ऐसा टॉन्टिंग आप रणदीप सुरजेवाला को बताएं, आप जरा बहुत तहजीब उनको सिखाएं, आप बीइंग योर सेंसेस, आप तहजीब रणदीप सुरजेवाला को सिखाएं, आप तहजीब सीखिए खुद, आप तहजीब सीखिए, आप तहजीब राहुल गांधी को सिखाएं, आप तहजीब सोनिया गांधी को सिखाएं, ये तरीका आप हमको ना सिखाएं, माफ कीजिए मैं अपना प्रोग्राम आपको एक दूसरे को तहजीब सिखाने के लिए नहीं देना चाहता, आप अपनी अपनी पार्टी और नेताओं को अपने अपने घर में तहजीब सिखाएं, प्लीज रुक जाइए। रणदीप सुरजेवाला किस प्रकार का बयान दे रहे हैं नवजोत, आप देखिए नवजोत जी, मान्य कह रहे हैं, आप नाम लेके चाहे जो कुछ, अरे मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, रणदीप सुरजेवाला ने जो बयान दिया आपसे सहमत हो क्या, टोंटिंग कर रहे हो, रणदीप सुरजेवाला ने जो बयान दिया सहमत है उससे, बोले चैनल पर आप टोंटिंग कर रहे हैं, बहुत देर से टोंटिंग करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, आप इनको इस बात अगर मेरे कांग्रेस के मित्र, अगर मेरे कांग्रेस के मित्र एक मिनट आप एक मिनट सहमत हो तो बताएं, अगर आप सहमत हो तो बताओ ना, रणदीप सुरजेवाला जी ने जो बयान दिया है हाँ। वो उन्होंने क्या कहा है, कोई गलत बात की, क्या कहा उन्होंने, क्या कहा उन्होंने बताओ, हरियाणा का मुख्यमंत्री इन्होंने क्यों मुझे भागता है, क्या इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं आप, कुछ निकला उसके तो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, क्या निकला अमरीका, अरे आप भाषा का अमरीका में क्या, तो आप बात तहजीब की बात करते हैं, तहजीब आप जानते हैं, आप तहजीब का बात कर रहे हैं, अरे तहजीब सिखाएंगे दूसरों को, तहजीब हमने नेताओं को सिखाई है क्या, रणदीप सुरजेवाला राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे, राष्ट्रीय प्रवक्ता तो पाकिस्तान से आया, क्या पाकिस्तान से कैसे बोलेंगे, क्या आपके कैसे नहीं बोलेंगे, वो उनका बोलने का अधिकार नहीं है, मुख्यमंत्री के बारे में सम्मानजनक टिप्पणी करने से उनको आना चाहिए, शायद हम मुद्दे से भटक रहे हैं, मैं अपने बीजेपी के प्रवक्ता साथी से सिर्फ दो बातें पूछना चाहता हूं और इस प्रदेश की जनता भी पूछना चाहती है, हाँ मुद्दे पर, सिर्फ इस प्रदेश की जनता भी इन सवालों का जवाब चाहती है, क्या इन्होंने फ्यूचर का कोई रोड मैप तैयार किया था, कितने युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और हरियाणा के युवाओं को उसमें कितनी भागीदारी होगी, क्योंकि यहां पर रोजगार लाने की बात की थी, और इसके साथ साथ क्यों बिना कोई MOU साइन किए, बिना कोई लीगल डॉक्यूमेंट तैयार किए, क्यों झूठे बयानबाजी दी जा रही है, हजारों करोड़ रुपया खर्च करने की बातें की जा रही है। इनेलो के मित्र विपक्ष के मुख्य विपक्षी दल है इनेलो, इनेलो के जो प्रवक्ता ने जो मुझसे क्वेश्चन किया उनका जवाब दे रहा हूँ। हरियाणा के अंदर अगर FDI आएगी, विदेशी निवेश आएगा, तो निश्चित तौर पर हरियाणा के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, एक बात, वो रोजगार बाहर के लोगों के लिए नहीं है, वो हरियाणा के लोगों के मिलेगा,
एक बात तो ये बता दो, इतना भी स्पष्ट कीजिए कि कितना, अरे सुनो ना भाई, सुनो ना, मैंने बोला कितना मिलेगा, अभी कितना रोजगार मिलेगा, अरे सुनो ना, 40,000 मैं कह रहा हूं जो पिछली यात्रा रही, 15 महीने को रोजगार दिया, पिछली जो यात्रा रही 15 महीने को रोजगार दिया, अरे कांग्रेस के मित्र 15 महीने में रोजगार दिया, अब दोनों को जवाब दे दूंगा, सुनो तो सही, बताइए बताइए बताइए, जो हमारे हरियाणा का भट्टा बढ़ा दिया आपने, अरे जनादेश मिला तब से आपने हरियाणा के साथ मजाक उड़ा दिया, फिर भट्टी का विरोध करोगे सर, आप बताइए बताइए, चलिए बोलिए, कांग्रेस के मित्रों को कुर्सी के बगैर नींद नहीं आती, आप थोड़ा सब्र तो करो ना, सुनिएगा, अरे सुनो ना, विपक्षी भूमिका निभा रहे हैं, ऐसा मैं एक बात सत्ता के नशे में, मैं एक बात कह रहा हूँ, नशे के हम लोग तो नशा विरोधी हैं साहब, हम नशा विरोधी हैं, आप तो देसी की बात करते थे, नशा विरोधी हैं तो इस प्रदेश के शिक्षा के मंत्री, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी और कॉलेज, आप पहले क्वेश्चन कर लीजिएगा फिर मैं जवाब देता हूँ, खेल स्टेडियम नशे नशे का गढ़ बन चुका है, मैं एक बात कह रहा हूँ कि जो पिछला हमारा विदेशी दौरा था उसमें 40,000 बेरोजगारों को रोजगार देने के मिला है क्या किसी को, अरे सुनो ना भैया, रुक जाए, एक बात, दूसरी बात, हमारे यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट जो होने वाली है, जो हम MOU साइन कर रहे हैं और जो और भी आगे काम चल रहा है, हम एक बात कहना चाहते हैं कि अपने को जो बार बार कितना मिला, कितना मिला, पहली बार हरियाणा के अंदर हजारों डॉक्टरों को अपॉइंट करने की कार्रवाई पहली बार वर्षों के बाद हरियाणा सरकार ने की, मनोहर सरकार ने की, दूसरी बात पहली बार 50,000 युवाओं के लिए 30,000 भर्तियों के लिए हम लोगों ने अखबारों के अंदर जो अतिथि अध्यापकों से लेकर अन्य अध्यापकों को दोनों ने बेरोजगार, सुनिएगा, अरे वही कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की जिस दिन से सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की जिस दिन से सरकार आई उस दिन से आज तक एक भी युवा को नौकरी नहीं दी गई है, सिर्फ एक अपॉइंटमेंट हुई है, वो ही है जो न्यायालय में विचाराधीन था, जो मामला जो कांग्रेस के राज में जो भर्ती हुई थी, जानकारी आपको नहीं है, एक भी बताइए, एक भी अपॉइंटमेंट हुई, सिर्फ एक जो एक अपॉइंटमेंट हुई है वो भी जो विचाराधीन न्यायालय में मामला था उस पर, एक भी बताइए आप, अच्छा नवजोत, अंतिम तिथि बताइए कब तक भर्ती पूरी करेंगे, मैं कहता हूं, मैं सैकड़ों डॉक्टरों की लिस्ट आप अगर आप चेक कर सके, मेरे पास चेक करने का सिस्टम है, मैं वही आ रहा हूँ, इनको मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं है, अरे क्या बहस कर रहे हैं आप, आपको मालूम नहीं है बाबू, आप अपने फैक्ट क्लियर करके आइए, अरे मेरे को फैक्ट पता है भैया, नहीं पता है, अरे भैया अगर आप लोगों को नहीं गलती है क्या, इस प्रदेश के युवा यहाँ तक की शिक्षक सड़कों पर बैठे हैं, लाठियां खा रहे हैं, किसके कारण बैठे हैं, किसके कारण शिक्षक भर्ती घोटाला किए, आप लोगों के नेता शिक्षक भर्ती घोटाला ने जेल में बैठे हुए, आप लोगों ने एक भी प्रदेश के शिक्षक भी सड़कों पर बैठे हैं, कमाल है, आप उनका बताइएगा, प्लीज हम मुद्दे पे बात करें, अमू जी आप बता दीजिए, अमू जी प्लीज मेरे सवाल का जवाब दीजिए, कैसे कैसे लोगों को आप बिठाते हो, नवजोत विषय क्या है, आप बोखला गए अमू जी, बोखला गए, सच्चाई से भाग रहे हैं, इस प्रदेश की जनता को जवाब दीजिए, क्यों लुटा रहे हैं जनता के पैसे, ये भाषणबाजी करने के लिए यहाँ पर आए हैं, मैं कम से कम इस प्रकार की बैठक नहीं बैठ रहा हूँ, कैसे कैसे आदमी बैठे हैं, प्लीज प्लीज, समझ में नहीं आ रहा, आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सब बता की बात करते हैं, संस्कार की बात करते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता ही क्या, नवजोत किस प्रकार के लोगों को बिठा रहे हो आप, ये समझते हैं कैसे बीजेपी के प्रवक्ता, कैसे कैसे, मतलब ये बीजेपी के प्रवक्ता इनकी, ये सेंस है, ये सेंस है इनकी, अगर इनकी जानकारी नहीं है, प्लीज रुक जाइए, हम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, मुझे शिक्षा के बारे में बात नहीं कर रहे, मैं फॉरेन डायरेक्ट प्रवक्ताओं को बुलाकर हमारी बहस कराएंगे तो हम नहीं करेंगे, अब मुझे हम चुप हो जाते हैं, नवजोत क्या ये बहस करने का तरीका, प्रदीप जी हम हमेशा मुद्दे से भटक रहे हैं, बिना बात के हम बातों को इधर उधर लेकर जा रहे हैं, आई वॉन्ट कि आप डिबेट को बिल्कुल सही डायरेक्शन में, मेरा दो ही सवाल था कि अगर रोजगार फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रोजगार आना है तो सरकार क्या एक्सपेक्ट करेगी, कितना रोजगार आएगा, नहीं नहीं देखो नवजोत ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जो तुरंत हो जाए, ये कंटिन्यूइंग प्रोसेस है, और इसके लिए प्रॉपर रोडमैप की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, लेकिन सरकार, मुझे नहीं लगता कि सरकार जिस तरह से विदेशी दौरे कर रही है उससे पहले वो कोई रोड मैप या कोई ऐसी प्लानिंग बना के चल रही है, या बना के चल रही है तो वो छुपा रही है, और ऐसी चीजें छुपाई नहीं जाती, इससे तो उपलब्धि, ये उपलब्धि है जनता के सामने, ये तो बखान किया जाता है, पिछली सरकारें भी अब मौजूदा सरकारें भी एक चीज को बढ़ा चढ़ा कर पेश करती हैं, और अगर कोई ऐसी प्लानिंग है उनके दिमाग में, ऐसी कुछ है कि इतनी इंडस्ट्रीज से इतने लोगों से वहाँ बातचीत होनी है, इतना इन्वेस्टमेंट आ सकता है या इतना हमारा टारगेट है, हो सकता है 100% टारगेट ना हो, अगर हम 25% भी अचीव कर लेते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें बताकर चलनी होती हैं, इसका बखान होता है, इससे ये शक पैदा होता है कि जो चीज़ें रोड मैप या जो चीज़ें प्लानिंग बताई नहीं जा रही, इससे यही शक होता है कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ हैपनिंग हरियाणा के लिए आमंत्रण का दौरा तो नहीं, लेकिन है अगर हो भी
चलिए मैं इस पर भी आती हूँ, अगर हैपनिंग हरियाणा के लिए ये दौरा हो भी तो उसमें गलत क्या? अगर मैं उसी हैपनिंग हरियाणा अगर आप ये प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं और आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रहे हैं अगेन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टेट, बिल्कुल नवजोत इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है कि आप किसी को आमंत्रित करने जा रहे हैं अपने यहाँ बहुत बड़ी इन्वेस्टर मीट ग्लोबल इन्वेस्टर मीट करने जा रहे हैं, उसके लिए लोगों को निमंत्रण देने जा रहे हैं, तो वो भी एजेंट प्लानिंग में सामने आना चाहिए कि हम इतने लोगों को वहाँ टारगेट करके जा रहे हैं, उनको अपना एजेंडा दिखाएंगे, उनको अपनी पूरी हिस्ट्री दिखाएंगे, अपने लोगों को एक फेस दिखाएंगे हरियाणा का और उनको आमंत्रित करेंगे, तो ये भी बताना चाहिए। ये भी बहुत अच्छी बात है कि अगर लोग आते हैं यहाँ इन्वेस्टमेंट आता है या इन्वेस्टर आता है तो ये भी बता के करना चाहिए, मेरे ख्याल से इसे बहुत। खजान जी हम हैपनिंग हरियाणा की बात कर, हम मुद्दे पर स्टिक रहेंगे प्लीज, मेरे सभी मेहमानों से ये रिक्वेस्ट है, हम हैपनिंग हरियाणा की ही बात करते हैं। अगर हैपनिंग हरियाणा जैसा प्रोग्राम एक बड़ा प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उसके लिए अगर दौरा भी किया जा रहा है लोगों को इन्वाइट करने का, उसको सक्सेस बनाने का, अल्टीमेटली अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो उसमें बुराई क्या, उसमें नुकसान क्या? देखिए कोई बुराई नहीं है, चुनी हुई सरकार है, इनका अधिकार है, ये विदेशों में जा सकते हैं, लेकिन पब्लिक के एक्सचेकर खर्चे पे जा रहे हैं, पब्लिक के मनी जो जनता हरियाणा की जनता खून पसीने का पैसा टैक्स का उसके उस पर जा रहे हैं, तो इनकी ड्यूटी बनती है। अब ये जो भी इनका कार्यक्रम है इन्वेस्टमेंट का है, जो एमओयू साइन करने हैं वो पब्लिक करके जाएं और पब्लिकली उसका फिर बाद में जब इनकी ट्रिप खत्म हो तो इनको बताना पड़ेगा अगर हम ये इन्वेस्टमेंट ले गए, ये हमने एमओयू साइन किए। वैसा कुछ भी नहीं है अब तक, ना इन्होंने डिस्क्लोज किया है कोई किस किस कौन कौन इंडस्ट्रीज इनके साथ जो इंडस्ट्री के बड़े बड़े आदमी हैं वो इनके साथ जा रहे हैं, कौन कौन मिनिस्टर जा रहे हैं, क्या इनका पर्पज है, ये है जो बहस का मुद्दा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करें लाए, मोस्ट वेलकम, स्वागत है इनका, लेकिन ये बताएं तो सही पहले जो इनका जो इन्होंने पहले अपना विदेशी दौरा किया था उसमें ये एक पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं ले गए, उसमें जो इनकी जो सैर सपाटा रहा वो उससे हरियाणा की जनता का खून पसीने की जो गाड़ी कमाई थी वो वेस्ट की इन्होंने उस, ये है हमारा मुद्दा, ये हम इनसे पूछना चाहते हैं कि वो बताएं, डिस्क्लोज करें पब्लिकली क्या कौन कौन जाएंगे और क्या क्या इनका एजेंडा है और उसमें फिर क्या इनका रिजल्ट वो हरियाणा की जनता के लिए क्या देंगे। अमू जी अब जो मेन क्वेश्चन निकल कर आ रहा है बहस का वो ये है कि क्या फॉरेन ट्रिप्स सिर्फ फॉरेन ट्रिप्स बनकर ना रह जाएं, जिस पर लोगों का जो आम इंसान का पैसा है वो खर्च होता है, इन्वेस्टमेंट के नाम पर सिर्फ सैर सपाटा होता है और एंड रिजल्ट उसका कुछ नहीं निकलता, वो एक शंका जो है वो बरकरार है। मैं नवजोत एक बात बताना चाहता हूँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और उनकी टीम इस बारे में जो ये शब्द हैं जो सैर सपाटा, मुझे इस पर आपत्ति है, दुख भी है कि इस प्रकार की भाषा का लोकतंत्र के अंदर कोई स्थान नहीं है इस प्रकार की भाषा का। हाँ इन्होंने जो दो तीन बातें की वो बिल्कुल जायज है कि हम लोग कहाँ गए, क्या किया, कौन कौन से एमओयूज पे साइन किए, किन किन लोगों से हमारी बात हुई, इन लोगों को जानकारी लेने का अधिकार है। मैं एक बात कहता हूँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री और उनकी टीम, उनके साथ जो हरियाणा के उद्योगपति जाते हैं और जो उनकी लिस्ट सबको पता है जो पिछली बार गए और जो अब जाने वाले उनकी लिस्ट भी अगर ये कहेंगे तो इनको उपलब्ध करा दी जाएगी। मैं एक बात जानता हूँ कि अगर हरियाणा का उद्योगपति मुख्यमंत्री के साथ या मुख्यमंत्री की टीम में मुख्यमंत्री जाते हैं और वहां से इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, निश्चित तौर पर हरियाणा की जनता को पता चलेगा, हरियाणा को जनता को नहीं पता चलेगा, हम लोकतांत्रिक पार्टी है, हम लोगों के द्वारा चुनी हुई पार्टी है, हमारा सब कुछ बिल्कुल श्वेत पत्र जो अभी प्रदीप भाई कह रहे थे, अगर हमसे कुछ मांगा जाएगा तो हम एक ही चीज का मुख्यमंत्री की जानकारी आपके लिए जानकारी के लिए बता रहा हूँ खजान जी और जनता को बता रहा हूँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री 18-18, 20-20 घंटे काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं, पिछली यात्रा के दौरान भी उन्होंने अपना आधा मिनट भी सैर सपाटा तो करूँ अलग से भी कहीं जाने के लिए प्रयोग में नहीं लिया, हर मिनट के बाद उनकी मीटिंग थी, हर कार्यक्रम उनका तय था, अगर वो कहेंगे तो मैं आपको वो भी सारी का सारा जो उनका शेड्यूल होता है वो पहले तय किया जाता है, जब यहाँ से मुख्यमंत्री जा रहे हैं चीन जा रहे हैं तो चीन में वो कहाँ कहाँ जाएंगे, किस किस से मिलेंगे, ये सब कुछ तय है, वो किन किन उद्योगपतियों से मिलेंगे, किस किस पॉलिटिशियन से मिलेंगे, सत्ता के किन किन लोगों से मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री ने कह दिया मैं चीन जा रहा हूँ 17-25 तक और वहां पर घूम कर आऊंगा, ऐसा नहीं है, सब कुछ तय होता है। हाँ कांग्रेस के मित्रों की एक बात समझ में मेरे को आती है, इन लोगों ने कब कब कहाँ कहाँ गए, कैसे कैसे गए, इनकी जानकारी कितनी थी मैं नहीं मांग रहा, परंतु हम लोग जिन यात्राओं के लिए जा रहे हैं हमारा रिजल्ट 100% पॉजिटिव आने वाला है, मैं हरियाणा की जनता को विश्वास दिला रहा हूँ, माननीय मनोहर लाल खट्टर की सरकार में ऐसा कुछ नहीं होगा
जिससे के ऊपर कहीं भी एक क्वेश्चन मार्क लगा है। एक मेरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हर सरकार ये कोशिश करती है स्टेट में कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, वो पंजाब में भी बहुत ज्यादा ग्लोबली, और क्योंकि पंजाब के लोग बहुत ज्यादा अब्रॉड सेटल्ड हैं और वहां देखा भी गया है ओवर द इयर्स। हरियाणा में पिछले कुछ सालों में कितना देखा और अब हम क्या उम्मीद रख रहे हैं? नहीं, उम्मीद तो मैं नवजोत ये बताऊं, मैंने पहले भी अपने बात में कहा है कि पिछले दो या तीन अनुभवों से नहीं पिछले कुछ सालों की भी बात कर नहीं, वो दो सालों की बात है, वो परंपरा मैं कांग्रेस के टेनओवर की भी बात कर, कांग्रेस के टेनओवर में तो मेरे मित्र अम्मू जी ये कह रहे थे कि कांग्रेस वालों ने पिछले 10 साल में कुछ नहीं किया, जबकि ये जब सत्ता में नहीं थे तो यही कहते थे कि इन्होंने प्रॉपर्टी डीलिंग की और CLU किया, आज ये कहते हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। चलो अच्छी बात है, वहां तक तो आ गए हैं। दूसरी बात मैं और कहना चाहूंगा कि ये बात ठीक है कि सरकारें इस तरह के काम, निवेश लाने का काम करती हैं और ईमानदारी से करती हैं और सबके मन में भी होता है। ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री सिर्फ सैर करने के लिए कहीं विदेश जाते हैं, वो पूरा प्री प्लानिंग एजेंडा होता है कि वो कहाँ बात करेंगे, कहाँ मिलेंगे। मेरा सवाल हाँ, लेकिन ये डिस्क्लोज करने में क्या बुराई है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कितना निवेश, कहाँ, किससे, किस बारे में निवेश के बारे में बात करेंगे, वो कोई ऐसा नहीं है। और जहां तक पिछली सरकार का बात है कि पिछले 10 सालों में मैं मानता हूं कि निवेश पर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं, ज्यादा प्रयास नहीं हुए हैं। ये बात ठीक है कि पिछले 10-11 सालों में बहुत ज्यादा प्रयास नहीं हुए हैं कि निवेश आया हो। यहां तक कि एक आध चीज तो यहां से जो इंटरनल थी, चाहे वो मारुति हो, यहां से गई बल्कि, और कुछ तरह के आरोप भी लगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ माहौल धीरे धीरे गुड़गांव का खराब होता रहा। खुल के बोलिएगा, थोड़ा अच्छा मैं खुल का भी बोलूंगा, आपको भी रिलैक्स मिलेगा। मैं एक बात और भी बोलूंगा कि आपको भी आईना दिखाऊंगा कि जो गुड़गांव आपके लिहाज से स्मार्ट सिटी नहीं हो सकता, आप इन्वेस्टर मीट किस हिसाब से कर रहे हैं, आप क्या अपेक्षाएं लेके कर रहे हैं उसमें, आप ग्लोबल इन्वेस्टर मीट कर रहे हैं, आप कैसे हैपनिंग हरियाणा कर रहे हैं, जो आपकी लिस्ट में वो तीन प्रदेश, तीन शहर के तीसरे नंबर पे आता है हरियाणा में, उस पे आप हैपनिंग हरियाणा, आप उन शहरों में क्यों नहीं करते जो आपके स्मार्ट सिटी बनने लायक हैं? मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। एक तो ये जो बता रहे हैं ना आप, ये जो स्मार्ट सिटी वाली बात है की, इसका मतलब तो ये आप ये मानते हो ना चैनल के ऊपर कि पिछली सरकारों ने गुड़गांव को स्मार्ट सिटी नहीं बनाया? अच्छा एक बात बताइएगा मुझे, इन्होंने कहा कि और सिटियों में, सिटीज में क्यों नहीं करते इंटरनेट? नहीं, उन्होंने कहा जो सिटीज आपने स्मार्ट सिटीज डिक्लेअर किए, आप वहां क्यों नहीं करते? गुड़गांव फरीदाबाद के बीच में अगर ये समिट होती है तो इसमें दूर कहां है आप फरीदाबाद से? जिस फरीदाबाद को हरियाणा की शान समझा जाता था, गुड़गांव फरीदाबाद के अंदर उद्योग करनाल वहां से दूर नहीं है, कहां कितनी दूरी है हमारे? स्टिक टू वन थिंग, मैं वही कह रहा हूं। ना तो स्मार्ट सिटी से दूरी क्यों रही? आप डिप्लोमेटिक आप ये चाहते हो करनाल के अंदर हो, अफ्रीका को मुख्यमंत्री का शहर है, आप ये कहोगे? नहीं, हमने तो पहले भी कहा था, तब कौन सा मान लिया आपने? भैया हमने स्मार्ट सिटी के टाइम पे भी ये कहा था कि वो सीएम सिटी है, तब कहा? मेरे विद्वान मित्र से कहना चाहूंगा, जो आप कहें वो माना जाए ये नहीं होता। हाँ, आपकी राय बिल्कुल जानकारी में रखकर आगे प्रोग्राम बनाए जाते हैं और उन पर गंभीरता से विचार किया जाता है। इसलिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर जो आपने पहले बात कही, अगर इन्वेस्टर्स आते हैं और यहाँ पर उद्योग लगते हैं तो निश्चित तौर पर प्रदेश को फायदा होगा। चलिए मैं रुक रही हूँ, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम जल्द ही लौटते हैं, चर्चा जारी रखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हैपनिंग हरियाणा जो एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है गुड़गांव में और ये जो विदेशी दौरा है, इससे कितने बदलेगी हरियाणा की तस्वीर और कितना आएगा रोजगार, एक छोटे से ब्रेक के बाद। वो कौन है, वो कौन है जो खुशबू लाता, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है, तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट
सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर की घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एक बार शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। जय गोगा जी हेयर ऑयल की तरफ से आप सभी देश और प्रदेश वासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए बिल्कुल बात कर रहे हैं कि आखिर ये उड़ान कहां ले जाएगी और कितने कितना बदलेगा हरियाणा। अमू जी कितना बदलाव आएगा, फाइनल कमेंट्स, वक्त की कमी है, प्लीज। मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस प्रकार से कनाडा गए, अमेरिका गए, अब चीन जा रहे हैं और जापान जा रहे हैं, 1,00,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट का FDI का हमारा टारगेट है, निश्चित तौर पर वो पूरा होगा। और जो हैपनिंग हरियाणा इन्वेस्टर्स समिट जो होने जा रही है गुड़गांव के अंदर मार्च के अंदर, उसके अंदर एक इतिहास बनने जा रहा है हरियाणा के अंदर। और यहाँ पर जब बाहर से विदेशी इन्वेस्टमेंट होगा और यहाँ पर उद्योग लगेंगे तो निश्चित तौर पे यहाँ की जो बेरोजगारी है, निश्चित तौर पे बेरोजगारी दूर होगी और हरियाणा को इसका फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। प्रदीप, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले सार्वजनिक किया जाए जो विदेशी यात्राओं का जो खर्चा है, इसके साथ साथ ये फ्यूचर का रोड मैप तैयार किया जाए कि कितने युवाओं को रोजगार दिया जाए। और इसके साथ साथ जो हरियाणा के जो घरेलू उद्योग हैं, जो हरियाणा के कारखाने हैं, उन पर भी ध्यान दिया जाए। और इसके साथ साथ सरकार ये निर्धारित करे कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मुहैया कराए जाएँ, कहीं ऐसा ना हो, ना ही तो रोजगार मिले, ना ही बेरोजगारी भत्ता मिले, जो आज तक ये 1.5 साल में हम देखते जा रहे हैं, नहीं तो कोई रोजगार मिला, नहीं कोई बेरोजगारी भत्ता मिला। तो जो पैसा जो लुटाया जा रहा है उसके सकारात्मक परिणाम चाहते हैं। 154 वादे किए थे, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये नए नए सुगपे छोड़ने की इस सरकार की आदत है, नए नए लोगों को तरह तरह से भ्रमित करने की बात है। और पहले दो विदेशी दौरे में भी इन्होंने कुछ नहीं रोजगार लाए, ना इन्वेस्टमेंट लाए, और अब भी मैं समझता हूँ सिर्फ हरियाणा की जनता को धोखा देने की एक इनकी महज कोशिश है। और ये मैं समझता हूँ उसमें कामयाब नहीं होंगे, हरियाणा के खून पसीने की गाढ़ी कमाई के पैसे को बर्बाद करने के सिवाय और इनका कोई मकसद नहीं। बिल्कुल, निवेश के लिए विदेशी दौरे होने चाहिए और मैं इस बात से भी इत्तेफाक कतई नहीं रखना कि लाभ नहीं होगा। पहले से ये प्रेडिक्शन कर लेना कि इससे कोई लाभ नहीं होगा, ये ठीक है कि एक प्लानिंग के तहत होने चाहिए और लोगों को पता भी लगना चाहिए कि क्या आया। हमने कई हो सकता है किसी दौरे में शायद निवेश ना भी आए, लेकिन फिर भी ये एक तरह से एक रोड मैप होना चाहिए कि आप किन से बात कर रहे हैं और क्या संभावना है। क्या रोड मैप की अभी कमी है मुझे, फाइनली क्विकली? बिल्कुल नहीं है, हरियाणा की सरकार का निश्चित तौर पे सब कुछ रोड मैप क्लियर है। जो विपक्ष के मित्र जो कह रहे हैं, बिल्कुल उनको इनको जानने का हक है और मैं समझता हूँ इस बारे में वो मुख्यमंत्री समय समय पर विपक्ष के सभी बंधुओं के साथ, चाहे वो अभय चौटाला हो या माने भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या उनके और कांग्रेस के अन्य लोग हों, अन्य लोग हों, उनसे लगातार बात होती रहती है। पहली लोकतांत्रिक सरकार है जो विपक्ष के साथ मिलकर काम करना चाहती है, कम से कम इन्वेस्टमेंट के मामले में हम लोग राजनीति नहीं करना चाहते। चलिए इसके साथ लेते हैं आपसे इजाजत।
फिलहाल इसका फैसला आने वाले वक्त पर छोड़ते हैं कि विदेशी दौरे और हैपनिंग हरियाणा समिट और फिर कितना निवेश, कितना रोजगार, कितना बदलेगा हरियाणा, इसका फैसला आज ही करना बेहद मुश्किल होगा। थोड़ा सा इंतजार हम लोगों को आने वाले वक्त के लिए करना होगा। लेते हैं इजाजत, नमस्कार।